मादा मरियम से प्रार्थना करते हुए आज का क्लास शुरू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फलेसु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, जय यीशु। अभी हम अगले पाठ की ओर जाए। पाठ 9, विधान की जनता। ईश्वर के आदेश अनुसार मूसा सीनाई पर्वत पर पहुंचा। मूसा 40 दिन और 40 रात के बाद लोगों के पास पहुंचा। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर बोले, अब हमारे लिए ऐसा देवताओं को बनाकर दे दो जो हमारे पथ प्रदर्शक हो, क्योंकि पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया था। जिस पर हारून ने उनसे कहा, अपनी पत्नियों पुत्र पुत्रियों के कानों का सोने की बालियां उतार कर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर सांच में डालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। हारून ने बछड़े की प्रतिमा के सामने एक बलिवेदी बनाई। लोग बलियां चढ़ाने लगे, वे खाने पीने के लिए बैठ गए और उसके बाद उठकर नाचने गाने लगे। मूर्ति पूजा के कारण इसराइली जनता ने बड़ा पाप किया। ईश्वर की दी हुई पगली आज्ञा का ही उन्होंने उल्लंघन किया। एकमात्र प्रभु ईश्वर को भूलकर उन्होंने सोने के बछड़े की आराधना की। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर का तिरस्कार किया। इसराइली जनता ने प्रभु के विरुद्ध कई पाप किए हैं, किंतु उनमें सबसे गंभीर था मूर्ति पूजा का पाप। मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में ले लिए पर्वत से उतर आया। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े को देखा, लोगों को नृत्य करते भी देखा। उसका क्रोध भभक उड़ा। उसने पाटियों को पहाड़ की तलहटी में ही पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बछड़े को लेकर आग में जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाला और उसे पानी में मिलाकर इसराइलियों को पिला दिया। दूसरे दिन मूसा ने इसराइलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है, मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ, यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास जाकर कहा, इन लोगों ने घोर पाप किया है, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है, आप कृपा करके इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मूसा ने इसराइलियों के लिए ईश्वर से मन लगाकर विनती की। उन लोगों के पाप का दंड स्वयं झेलने के लिए तैयार हो गए। प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की तरह पत्थर की दो पाटियां बनाओ, मैं उन पाटियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर दी। इस प्रकार मूसा के द्वारा टुकड़े कर डाली गई पहले की पाटियों के बदले उनके समान पत्थर की दो अन्य पाटियों पर ईश्वर ने फिर आज्ञाएं दी। ईश्वर ने इसराइलियों के साथ जो विधान स्थापित किया था, उससे वे विधान की जनता बन गए। वे प्रभु की निजी जनता बन गए। वे प्रभु की चुनी हुई जनता बन गए। वे प्रभु के द्वारा संचालित जनता बन गए। वे प्रभु के लिए बलि चढ़ाने वाले याचकगण बन गए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर,
आपने दिए हुए आज्ञाओं का पालन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। हमारे पाप तथा अपराधों को क्षमा कर हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। धन्यवाद।